इसराइल और पैलेस्टीन फिर से चर्चा में है और इस बार साथ में चर्चा में है भारत। रीजन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास हुआ रिजोल्यूशन जिसमें वोट करने से भारत ने मना कर दिया है या फिर एब्सटेन कर लिया है। एब्सटेन करने का मतलब होता है कि ना आपने सपोर्ट में वोट किया है ना ही आपने अगेंस्ट में वोट किया है। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं, वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रही है, टोटल यूएनजीए को भी समझने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है क्या, इस वोटिंग का क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया ने इस वोट को करके कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर दी है, या हमारी फॉरेन पॉलिसी इससे और ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखेगी, जो हमारा कंसिस्टेंट एफर्ट रहा है फॉर अ पीस मेकिंग प्रोसेस उसको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले इस रिजोल्यूशन के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें यह बोला गया कि इसराइल ने जितनी भी टेरिटरी पैलेस्टीन के अंदर एक्वायर कर रखी है उसे वहां से विड्रॉ करना है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। 193 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के अंदर, लेकिन पार्टिसिपेट किया है केवल 181 मेंबर्स ने, जिसमें से 124 मेंबर्स ने सपोर्ट में वोट किया, 43 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया यानी एब्सटेन कर दिया, और लगभग 14 नेशंस ने सपोर्ट में इसके अगेंस्ट वोट किया है। तो हम देखते हैं जिन्होंने विड्रॉ किया है उसमें हमारे पास कुछ कंट्रीज देखने को मिल रही हैं सामने। विड्रॉइंग कंट्रीज हैं कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया है, बेसिकली जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है इस रिजोल्यूशन के, वो है ऑफकोर्स इसराइल एंड यूएस और बाकी 43 कंट्रीज, मेजोरिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ, उन्होंने इसको एब्सटेन किया है और बहुत सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ने इसे सपोर्ट भी किया है। अब समझते हैं इसका इंप्लीकेशन, ये वोट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडिया का स्टैंड समझने की जरूरत है कि हमारा स्टैंड आखिर ये डिफरेंट है या हम अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी पर चलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जब इसराइल पैलेस्टीन के इशू को देखा जाता है तो हमने हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार जिस तरीके का ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ है, जिस तरीके से कंट्री से यह चाहा जा रहा है, कंट्री से यह उम्मीद की जा रही है कि वो एक पर्टिकुलर साइड चूज कर ले, इंडिया इज नॉट फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप। इंडिया ने यहां भी वही एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनाई है और उन्होंने बोला है रेदर देन डिवाइडिंग द कंट्रीज इनटू टू ब्लॉक्स, रेदर देन डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू टू ब्लॉक्स कि मैं सपोर्ट में हूं या मैं अगेंस्ट में हूं, आपको एक ब्रिज बनाने की जरूरत है, एक ऐसा सिनर्जाइज करने की जरूरत है सिचुएशन को जिससे हम पीस अटेन कर सकें। इस डिवीजन से प्रॉब्लम बढ़ेगी, रिजॉल्व नहीं होगी। इंडिया का यह भी मानना है कि यूएन चार्टर जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग और जो हम टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं उसका इंडिया को पूरा सपोर्ट है। पैलेस्टीन के पास एक सोवरेन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इसराइल की भी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, दोनों को कोई विन विन सिचुएशन पहुंचकर मिडिल ग्राउंड अचीव करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अब तक जितने भी इसराइल फोर्सेस को लेकर रिजोल्यूशन पास हुए हैं यूएनजीए के अंदर, जहां इसराइल फोर्सेस के विड्रॉल की बात की गई है, अब तक इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया था, उनके फेवर में वोट किया था। पहली बार हमने थोड़ा सा अपनी कंसिस्टेंट अप्रोच से हटके एक ऐसी अप्रोच अपनाई है जिसे हम बैलेंसिंग अप्रोच या मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग ऑफ बुद्ध या फिर गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल बोल सकते हैं कि ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, विल ट्राई टू बी दी मीडिएशन, मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे, मीडिएशन करने की कोशिश करेंगे, जो हम रशिया यूक्रेन वॉर में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां एक बैलेंसिंग अप्रोच देखने को मिल रही है आपको इसराइल और पैलेस्टीन के केस में। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक यूएन ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। टोटल 193 मेंबर्स हैं इसके अंदर, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी की सारी 193 कंट्रीज को इक्वल वोटिंग प्रोवाइड की जाती है, इक्वल फुटिंग पे वोट करने का मौका दिया जाता है, राइट? आगे देखा जाए, अगर फंक्शंस देखे जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है अडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशंस, जिसकी बात अभी हमने की। ये रिजोल्यूशन जनरली स्पेशल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं अगर वो इंपॉर्टेंट है, अगर स्पेशल प्रोविजंस के हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी मेंबर को इंक्लूड करना है, कोई पीस डिस्प्यूट है, कोई सेटल कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजोल्व करनी है, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अदरवाइज बाकी रिजोल्यूशन जो डेली बेसिस पर रिजोल्यूशन हो रहे हैं या लेस इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन है, उन्हें आप सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो आप रिजोल्यूशन पास करते हो ये नॉन बाइंडिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 124 मेंबर ने फेवर कर दिया है तो इसराइल को बाइंडिंग होकर विड्रॉ करना ही पड़ेगा, बट हाँ एक मोरल प्रेशर और मोरल सुएशन की तरह ये एक्ट करेगा इसराइल के ऊपर कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या चाहता है आपसे, वर्ल्ड ऑर्डर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। सेकंड एस्पेक्ट अगर देखा जाए, सेटिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एक ऐसा स्पेस है जो इंडिया की इंडिया और किसी भी और कंट्री की सोवरेनिटी से हटके है। मैं अपने लिए लॉज बना सकता हूं,
लेकिन जो इंटरनेशनल एरिनाज हैं उनके लिए लॉज बनाने के लिए कोई हमें ग्लोबल बॉडी चाहिए, कोई इंटरनेशनल पुलिसमैन चाहिए। उस इंटरनेशनल पुलिसमैन की तरह एक्ट करता है यूएनजीए और रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज एंड स्टैंडर्ड्स सेट करने का भी काम करता है। द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कोई एजेंसी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये काम भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही करती है। अदर देन दैट कोऑर्डिनेशन ऑफ यूएन एक्टिविटीज, मल्टीपल यूएन ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके बीच में एक सामंजस्य भी बिठाने की जरूरत है, उनके बीच में एक सिनर्जी भी बिठाने की जरूरत है, तो उसका काम भी आप यूएनजीए को ही करते हुए देखते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज। देखो वी लिव इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पर्सपेक्टिव पे चल रहे हैं आज की डेट में हम। कोई कंट्री एक दूसरी कंट्री से केवल एक मैटर पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इंटरेक्ट नहीं कर रही है, मल्टीपल मैटर्स हैं जिसमें आप एक कंट्री को दूसरी कंट्री से इंटरेक्ट करते हुए देखोगे। और जो आज की डेट में इश्यूज हैं वो इंडिविजुअली रिजॉल्व भी नहीं किए जा सकते, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल टेररिज्म, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्लोबल इश्यूज को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिजॉल्व करने के लिए यूएनजीए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई गेस यूएनजीए क्लियर हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, अगर इंडिया और इसराइल के रिलेशंस की बात की जाए, सी आज की डेट में इंडिया और इसराइल रिलेशंस ना काफी डिवाइडेड फ्रंट देखने को मिलता है हमें। कुछ डोमेस्टिक पॉपुलेशन प्योरली सपोर्ट करती है पैलेस्टीनियन कॉज को, और कुछ एस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉपुलेशन, कुछ परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक पॉपुलेशन इसराइल कॉज को सपोर्ट करते हैं। इसराइल हमेशा से ही इंडिया को अपना नेचुरल पार्टनर मानता हुआ आया है। इसराइल बना था 1948 में, इंडिया ने उसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड करा 1950 में, राइट? रिकॉग्नाइज हमने उसे बनते ही कर लिया था। इससे पहले कि मैं और डिटेल में जाऊं, एक बार हम इसराइल की लोकेशन देखते हैं वेस्ट एशिया के अंदर। दिस इज वेस्ट एशियन मैप, ये जो आपको वेस्टर्न एंड दिख रहा है मेडिटेरेनियन रीजन में, दिस इज इसराइल। और अगर आप एनलार्ज मैप देखने की कोशिश करोगे तो दिस इज द एनलार्ज मैप ऑफ इसराइल, जिसमें आपको ये वेस्ट बैंक टेरिटरी देखने को मिल रही है, दिस इज गाजा स्ट्रिप जहां आपको सारा इशू देखने को मिल रहा है, ये गोलन हाइट्स हैं जो सीरिया के साथ आपको लगी हुई दिख जाती हैं। मूविंग ऑन, अगर स्पेसिफिकली इंडिया इसराइल रिलेशंस की बात की जाए, तो जैसा मैंने आपसे बताया रिकॉग्निशन तो हमने 1950 में ही प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन हमारी डोमेस्टिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए साथ के साथ हमारा जो रिलेशन है अरब वर्ल्ड के साथ, जो अरब कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, कतार, इन सब के साथ मुझे रिलेशन मेंटेन करने हैं दो वजह से। पहली वजह है एनर्जी सिक्योरिटी। मेजोरिटी 70% ऑयल सिक्योरिटी मेरी कहां पे डिपेंडेंट थी अब तक? अब तो खैर हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं अपने नीड्स को, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत हद तक, काफी हद तक अपने तेल के लिए, अपने नेचुरल गैस के लिए हम काफी हद तक मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट रहे हैं। तो किसी भी तरीके से उनसे रिलेशन खराब करना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एक थ्रेट पहुंचा सकता था। दूसरा है हमारा एक ह्यूज चंक ऑफ डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में रहता है, एक बहुत ह्यूज इंडियन पॉपुलेशन आपको मिडिल ईस्ट में वर्क करती हुई दिख जाएगी। इस वजह से मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन भी है जहां से हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हुए दिखते हैं इंडिया में। तो इस वजह से हमारा जो पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है, हमने पूरी तरीके से रिलेशन जो है 1990s तक कंटिन्यू नहीं किए, और कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन कॉज को सब ध्यान में रखते हुए इसराइल से फॉर्मल रिलेशंस कभी बनाने की कोशिश नहीं करी। 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स है, इंडिया ने अपने आप को ओपन अप किया, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, ऑफ कोर्स इसराइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, तो इसराइल के साथ भी आपको रिलेशंस इंप्रूव होते हुए देखेंगे। और फाइनली 1992 के अंदर आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट होते हुए दिखते हैं इंडिया के साथ, या इंडिया ने एस्टेब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल। एक गौर करने वाली बात यह है, जनरली हम देखते हैं कि पहले एम्बेसी खुलती है, उसके बाद कॉन्सुलेट खुलता है। एम्बेसी हेड ऑफिस होता है, उसके जो सब ऑफिस होते हैं कंट्री के अंदर उसे हम कॉन्सुलेट बोलते हैं। इसराइल इज द ओनली एक्सेप्शन जहां हमने एम्बेसी ना खोल के सीधे क्या खोला है, कॉन्सुलेट खोला है। तो बेसिकली आप मान सकते हो कि इट वॉज जस्ट अ जेस्चर कि हम आपके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे देखें, अभी अगर हमारी शिफ्ट देखा जाए कोल्ड वॉर के बाद जो हमारा शिफ्ट हुआ है, कोल्ड वॉर वाला पीरियड और प्रेजेंट वाला पीरियड, आपको एक और सेकंड शिफ्ट देखने को मिलेगा 2017 में, जिसे हम डीहाइफिनेशन कहते हैं, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखे जाए, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन इज डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ, मेजर इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, हम अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन मेजरली इंपोर्ट करते हैं, और इसराइल इज वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर्स टू इंडिया। मेजोरिटी ऑफ द जो आप हमारे यहाँ आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज होते हुए देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारी, डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ रही है, उसमें इसराइल का एक बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसराइल के इक्विपमेंट्स की बात की जाए, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एवेक्स, फैलकॉन एवेक्स, जिसे हम बोलते हैं एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, साथ में हेरॉन ड्रोन्स देखने को मिल जा रहे हैं। और ये किसको इंप्रूव कर रहे हैं,
ये सपोर्ट कर रहे हैं बैराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, जो एक इंडो इजराइल एक जॉइंट कोऑपरेशन का रिजल्ट है। तो मैं वापस रिपीट करूंगा, अगर डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फैल्कॉन एवेक्स, हेरॉन ड्रोन्स अलोंग विद बराक, ये हमारा कंबाइंड है जिसमें इंडिया और इसराइल दोनों कोऑपरेट करके इसे डेवलप कर रहे हैं या कर चुके हैं। दूसरा एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास है ट्रेड। ट्रेड की अगर बात की जा रही है, हमारा बायलेटरल ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है इसराइल से, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है, जिन चीजों में हम ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाएगा, वैल्यू वाइज देखा जाएगा, दैट इज अराउंड 7 to 8 billion एनुअल। हम कोशिश करते हैं इन द कमिंग ईयर्स ये भी इंप्रूव होगा, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। वी आर अ ग्लोबल प्लेयर राइट नाउ, वी आर ट्राइंग टू बी, एटलीस्ट ट्राइंग टू बी अ ग्लोबल प्लेयर, एक ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो ये ट्रेड भी आपको इवेंचुअली बढ़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जा रही है, तो हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट होते हैं वहां, दैट इज बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, इसराइल को हम ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी बात की जाए, वो डिफेंस इक्विपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी करेंगे, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी करेंगे, इन सब चीज़ों में हमारा जो एंगेजमेंट है इसराइल के साथ वो काफी हद तक टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस पे टिका हुआ है। और वैसे भी हम नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर काफी कॉमनलिटीज हैं। हमें भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म झेलना पड़ता है, इसराइल को भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी इंप्रूव हो रही है वाइल वर्किंग विद इसराइल, कि किस तरीके से आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टैकल करना है और किस तरीके से बेटर टैकल किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, अगर हम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बाकी बात करें तो एग्रीकल्चर, इसराइल इज नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके पास कोई नेचुरल वाटर रिसोर्स तो है नहीं, तो इवेंचुअली फिर भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चल रहा है वहां, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी। तो इस डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी की भी डील हो चुकी है हमारे साथ इसराइल की। साथ के साथ अब यह भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया और इसराइल ने एक इंडो इसराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी क्यों है? देखो जी, 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पेस्टिसाइड्स यूज होने शुरू हुए, फर्टिलाइजर्स यूज होने शुरू हुए, वापस आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हो। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो फूड की डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंटिन्यूसली आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ही यूज करते रहो। तो ऑफकोर्स यू नीड सम ऑल्टरेशन इन द टेक्नोलॉजी, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और उसकी सेफ्टी भी ध्यान में रखी जा सके। इसराइल उसके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। अगर I2UT की बात करें, I2UT इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इसराइल और मिडिल ईस्ट में रिलेशंस को इंप्रूव करने की बात करता है। हम हमेशा से यही रोल प्ले करते हैं कि लोगों को साथ लाओ, लोगों को तोड़ो मत, और ये रिजोल्यूशन में हमारा एब्सटेन करना भी वही चीज साबित कर रहा है। तो I2UT इज ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन इंडिया, इसराइल, यूएस एंड यूएई। ये बेसिकली क्या कोशिश कर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्टर्न नेशन, जो अरब नेशन है जैसे यूएई, और जो एक इसराइल है जो नेचुरल हिस्टोरिकली एक अपोनेंट रहा है अरब कंट्रीज का, उनके बीच में आपको रिलेशंस बेटर होते हुए देखें। इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल इन इट। गोल्स हमारे हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होने चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होने चाहिए, रीजनल प्रोस्पेरिटी बढ़नी चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन भी बढ़ना चाहिए I2UT के थ्रू। अगर आगे देखा जाए, ये जो हमने एब्सटेन किया है, एब्सटेन करने के इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इंप्लीकेशन समझने की जरूरत है, क्योंकि हम हिस्टोरिकली जिस चीज पे चल रहे थे उससे थोड़ा सा साइडलाइन हुए हैं। तो ऑफकोर्स कुछ तो इंप्लीकेशन होंगे, समझने की कोशिश करते होंगे। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इजराइल। मेरा इस रिजोल्यूशन में एब्सटेन करना एक बहुत क्लियर एंड साउंड मैसेज है इसराइल के लिए, दैट आई स्टैंड विद यू। I'll not be pressurized by the rest of the world. मैं भीड़ चाल में नहीं चलूंगा। I'll not be influenced by the persuaded by the power of masses. I'll be supporting you. जब इस तरीके की सिचुएशन खड़ी होती है, जिससे हमारा जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल परस्पेक्टिव से, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंडिया को उसके साथ एंगेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिए भी, फूड सिक्योरिटी के लिए भी, और बाकी और भी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग न्यूट्रल स्टैंस ऑफ पैलेस्टीन। अच्छी बात यह भी है कि हमने अगर वोट करने से मना किया है तो हमने वोट सपोर्ट में नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हम पैलेस्टीनियन कॉज के अगेंस्ट नहीं गए हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं करना चाहिए, हम बोल रहे हैं यार दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आप किसी को प्रेशराइज मत करो इस चीज को करने के लिए, क्योंकि वो प्रेशराइज करोगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करने वाला। आपको पर्सुएशन टेक्निक अपनानी चाहिए, आपको ब्रिजेस बिल्ड करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं बोला कि पैलेस्टीन से फोर्सेस वापस नहीं आनी चाहिए, आई जस्ट सेड दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पैलेस्टीनियन कॉज को भी स्टेबल रख पा रहा हूं, उस पर स्टैंड ले पा रहा हूं, और अभी मैं पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा हूं। और कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि हमारा इंटेंशन रिफ्लेक्ट करता है ये चीज, कि हम दोनों पार्टीज के साथ इंटरैक्ट करने के लिए तैयार हैं, एक मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। जैसा हम हमेशा बोलते हैं डॉक्टर जयशंकर की भाषा में, कि हमारा मेन गोल है विश्व मित्र बनना, मल्टीपल अलाइनमेंट, इशू बेस्ड अलाइनमेंट। और जब हम विश्व मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं तो विश्व मित्र से बेटर कोई भी मीडिएटर
नहीं हो सकता। यही चीज हम अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन में, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है, और वही अप्रोच हम कोशिश कर रहे हैं इसराइल पैलेस्टीन में भी अपनाई जाए। रेदर देन चूजिंग द साइड्स, आप एक ऐसा काम करो जिससे रिजोल्यूशन ऐसा निकले जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, डिवीजन क्रिएट ना हो। तो कहीं ना कहीं हम दोनों पार्टीज को साथ लाने की कोशिश में है, जिस वजह से हम सर्टेनली बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू बिकम अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स और द जियोपॉलिटिक्स थ्रू दिस रिजोल्यूशन एज वेल। ये हमारा हिस्टोरिकल सपोर्ट जो है, जो हिस्टोरिकली हम सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, उसके भी अगेंस्ट नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो चीजें ठीक ही लग रही हैं। अगर रीजनल रिलेशनशिप पे देखा जाए, भाई देखो डेफिनेटली इसराइल के साथ तो रिलेशनशिप बेटर होने वाले हैं फॉर श्योर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम किस चीज से है कि जो हमारा अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशन है, अरब नेशंस के साथ, उसमें कहीं खटास तो नहीं आ जाएगी, उसमें कहीं सारनेस तो नहीं आ जाएगी, वो भी हमारा एस्पेक्ट है। लेकिन डरने वाली बात थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल पार्टनर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई, इनसे हमारी काफी हद तक इंटरेक्शन है, काफी हद तक कोऑपरेशन है। पहले हम केवल तेल पे डिपेंड करते थे, लेकिन सिंस द टाइम एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया में आए हैं, या फिर जब से हमने सैका साइन करते हुए देखा है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने यूएई के साथ साइन किया है, जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सऊदी अरेबिया हमें हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इंडिया से बेटर ऑप्शन है नहीं। तो आई गेस इस छोटे से इश्यूज एब्सटेनेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको रिलेशंस खराब होते हुए नहीं दिखेंगे, स्पेशली विद द मेजर पार्टनर्स इन द मिडिल ईस्ट। ईरान का थोड़ा सा इशू है, बिकॉज ईरान डेफिनेटली वॉन्टेड कि इंडिया शुड हैव वोटेड इन द सपोर्ट ऑफ दिस रिजोल्यूशन, कि विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसराइल इज डेफिनेटली, ईरान और इसराइल इस बार आमने सामने है। तो इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द इसराइल पर्सपेक्टिव, या किसी भी तरीके से अगर आप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हो, तो सर्टेनली यू आर गेटिंग इन टू द बैड बुक्स ऑफ ईरान। लेकिन उसको भी रिजोल्व किया जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ऐसे मैंने आपको बताया, केवल एक मुद्दे पर रिलेशन डिसाइड नहीं किए जाते। रिफ्लेक्शन ऑफ डीहाइफिनेशन पॉलिसी, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है डीहाइफिनेशन है क्या। देखो 2017 से पहले जितने भी मिनिस्टर अगर पैलेस्टीन जाते थे तो वो इसराइल भी जाते थे, मतलब वो अगर वो विजिट है, अगर वो दौरा है, तो दोनों की एक साथ होनी चाहिए, मतलब आप दोनों को एक ही साथ देखोगे। आपने क्या कर दिया, उन्हें हाइफिनेट कर दिया, आप दोनों को एक ही साथ देख सकते हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव में नहीं देखोगे। 2017 में पहली बार नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इसराइल को विजिट किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, वहां से शुरू होती है हमारी डीहाइफिनेशन पॉलिसी, जिसमें यह बोला जाता है कि जब तक इसराइल पैलेस्टीन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात चल रही है, टेरिटोरियल मुद्दों की बात चल रही है, उस इशू की बात चल रही है, तब तक हम दोनों को एक ही लेंस से देखेंगे। लेकिन इसराइल के साथ मेरा एक सेपरेट और आइसोलेटेड रिलेशन भी हो सकता है, रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू डिसैलिनेशन प्लांट्स, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोरफ्रंट पर रख दिया कि भाई तेरे मुद्दों के चक्कर में मैं अपने डायमेंशंस को नैरो नहीं कर सकता, इसराइल मेरी काफी हद तक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में मदद कर सकता है और मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में उस मदद को लूंगा, राइट। तो डीहाइफिनेशन हमारा हुआ 2017 में, और हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसराइल के सपोर्ट में नहीं, एटलीस्ट न्यूट्रल स्टैंड लेना भी कहीं ना कहीं हमारी डीहाइफिनेशन पॉलिसी को दर्शाता है, उसके इंप्लीकेशंस या उसके इंपैक्ट को दर्शाता है। अब अप्रोच, ये जो अप्रोच है डीहाइफिनेशन की, क्या अलाउ करती है, ये अप्रोच अलाउ करती है हमें कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें। जी हमारा नेशनल इंटरेस्ट, देखो दुनिया में जितने भी देश हैं, नो मैटर व्हाट दे से, कितने लिबरल हैं, कितना वर्ल्ड पीस चाहिए, लेकिन एट द एंड सबने किसको अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, खुद के नेशनल इंटरेस्ट। हमारा भी क्या होना चाहिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, एक बैलेंसिंग अप्रोच जरूरी है ऑफकोर्स, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट शुड बी ऑलवेज बी एट द फोरफ्रंट। डिप्लोमेसी में हम बोलते हैं कि अगर हमारा कोई दुश्मन है तो उसे न्यूट्रल किया जाए, कोई न्यूट्रल है तो उसे दोस्त बनाया जाए, कोई दोस्त है तो उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जाए, और अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो उसे एलआई बनाया जाए। ये प्योर डिप्लोमेसी है, हम उसी स्टैंड पे करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें काम कर सके। तो कहीं ना कहीं ये हम अप्रोच हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर सकती है। हम एक्टिवली एंगेज कर सकते हैं इसराइल के साथ, अब जो हमने अब तक दूरी बना रखी थी। देखो ऐसा है कि ये ना, इसराइल हमेशा हमारा एक तरफा आशिक रहा है, लेकिन हमने कभी रेसिप्रोकेट नहीं करा, और भाई शिद्दत से प्यार करता है हमसे वो, चाहे वो 1962 की वॉर हो, 1962 की वॉर हो, 1965 की हो, 1971 की हो, 99 की हो, चाहे वो रिसेंट गलवान वाली इंसिडेंट हो, एक भी ऐसी कन्फ्लिक्ट नहीं है जहां इसराइल हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। इसराइल ऑलवेज सपोर्टेड अस, इवन गलवान वैली में तो उसने आउटराइटली आके बोला कि इफ इंडिया नीड्स एनी हेल्प आई एम देयर टू हेल्प, आप डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई ले सकते हैं यहां से। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा अब बेटर तरीके से मैं एंगेज कर पाऊंगा, अपने टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बेटर तरीके से अचीव कर पाऊंगा, अपने डिफेंस पर्सपेक्टिव को बेटर तरीके से इंप्रूव कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं डीहाइफिनेशन हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और हमें एक्टिव एंगेजमेंट में
अलाउ करता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ा जाए इसका रिफ्लेक्शन का, तो जैसे इंपैक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट पे अगर देखा जाए इस चीज का, ये जो हमने स्टैंड लिया इसका मिडिल ईस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा। यार देखो मिडिल ईस्ट में तो सीधा सीधा ये है कि इसराइल के साथ तो डेफिनेटली रिलेशंस बेटर होने ही वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। थोड़ा सा अरब वर्ल्ड के साथ इशू है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करते हैं, तो ज्यादा इशू नहीं आएगा। और वैसे भी हमने अगेंस्ट या सपोर्ट में वोट नहीं किया है इसराइल के, हमने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। तो वी आर सपोर्टिंग बोथ द साइड्स, वी वांट पीस, वी डू नॉट वांट दिस डिवीजन इन द वर्ल्ड ऑर्डर। आप साइड चूज करने वाली बात नहीं कहोगे, जहां भी साइड चूज करने वाली बात होगी इंडिया आपको वहां से पीछे हटता हुआ दिखेगा, और वही आपको इस रिजोल्यूशन में भी देखने को मिला है। बैलेंसिंग एक्ट विद अरब नेशंस, देखो ये जरूरी है, एक्ट किया है, लेकिन बैलेंस करना भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे केवल इसराइल के साथ रिलेशन रखना है, मुझे अरब वर्ल्ड आज भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज भी सबसे ज्यादा रेमिटांसेस कहां से आ रहे हैं, आज भी सबसे ज्यादा ऑयल डिपेंडेंस किसके ऊपर है, और मोरओवर इतने सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाहे आप इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की बात करो, चाहे मैं ईरान की बात करता हूं तो INSTC इंटरनेशनल लॉस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इवन द स्विस कैनाल रूट जो हमारा नॉर्मल रूट है वो भी कहां से निकल रहा है, मिडिल ईस्ट के थ्रू ही निकल रहा है। तो उनसे कोऑपरेशन तो मुझे जरूरी है, और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए FDI के लिए भी मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेन तो बैलेंस करना पड़ेगा, रिलेशंस इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में बैलेंस आपको मेंटेन करना है। प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा ये रही है कि कहीं ना कहीं हम ना 1990 से पहले इसराइल से काफी ज्यादा दूर हो गए, और यहां तक कि कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने तो ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि जवाहरलाल नेहरू इज एक्टिंग मोर अरब देन द अरब देमसेल्व्स, कि वो अरब जितना खफा इसराइल से अरब है उससे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू खफा है, कि किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैंड अप बदलता हुआ दिखता है आपको। आगे बढ़ते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप, भारत के अंदर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या रिपरकशंस होंगे। अगर डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा आज भारत दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट करता है पैलेस्टीनियन कॉज को, कि इसराइल में हो रहे पैलेस्टीनियन हमलों को रुकना चाहिए, इसराइल को पनिश करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन कॉज, स्पेसिफिकली द डोमेस्टिक मुस्लिम पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं इस स्टैंड से आपको डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन में या डोमेस्टिक पॉपुलेशन को थोड़ा सा ठेस पहुंच सकती है, लेकिन ठीक है विद टाइम अगर वो लॉन्ग टर्म अप्रोच देखेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, लॉन्ग टर्म आउटकम्स देखेंगे, तो शायद उनका भी गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। दूसरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है यार कि इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में मैं ये बोल सकता हूं, देखो यार मेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, आई एम नॉट रनिंग बाय डोमेस्टिक ओपिनियन, आई एम नॉट रनिंग बाय द ग्लोबल ओपिनियन, आई एम रनिंग ऑन माय नेशनल इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी सोवरेनिटी शोकेस कर पाया, कहीं ना कहीं मैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी शोकेस कर पाया इस एब्सटेनेशन के थ्रू, इस वोटिंग के थ्रू। लास्ट में अपोजिशन पार्टी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत क्या, हिस्टोरिकल एक एडवांटेज, हिस्टोरिकल एक स्टैंड रहा है हमारा कि यार हम जब भी इजरायली फोर्सेस की पैलेस्टीन में बात होगी तो हम उसके विड्रॉल को वहीं सपोर्ट करेंगे, हमेशा उसके फेवर में वोट करेंगे, पहली बार आप अगेंस्ट गए। तो कहीं ना कहीं आप अपने हिस्टोरिकल स्टैंड से थोड़ा सा साइडलाइन होते हुए देखें, तो हो सकता है कि आपको अपोजिशन पार्टीज का क्रिटिसिज्म झेलने को भी मिले इस चीज में। ये एक मेन्स क्वेश्चन है आपके लिए, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको प्रोवाइड करी है, आई गेस आप तक आपको समझ में भी आई होगी। आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो विद ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव ग्रास्प फ्रॉम दिस वीडियो। द क्वेश्चन इज एनालाइज द इंप्लीकेशंस ऑफ इंडियाज रीसेंट एब्सटेंशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन डिमांडिंग द इवैक्यूएशन ऑफ पैलेस्टीन बाय इजराइल। डिस्कस हाउ दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डीहाइफिनेशन पॉलिसी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस एंड असेस इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडियाज स्टैंडिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड द डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो बेसिकली जो आपको मटेरियल अभी प्रोवाइड कराया गया है, जिस तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप इसराइल इंडिया रिलेशनशिप, इंपैक्ट ऑफ दिस वोटिंग ऑन इंडिया डोमेस्टिक लैंडस्केप में, इंटरनेशनल लैंडस्केप में, अरब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, इसराइल पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।